आखिर कौन सी हैं ये चार चीज़ें जिन जो हमें मेकअप करने से पहले ज़रूरी हैं और कहीं बाहर जाने से पहले भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आखिर कौन सी हैं ये चार चीज़ें? टेंशन ना ले, बताती हूँ। यही वीडियो इसी बात बताने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि ये कौन सी चार चीज़ें हैं जिसको यूज़ करे बिना हमें अपना मेकअप नहीं करना चाहिए और जिनको यूज़ किए बिना हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा यही टॉपिक है और वो कौन सी चार चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पे न्यू है तो मैं बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो मैं हूँ नीता और मेरे चैनल का नाम है नीतास ब्यूटी मंत्रा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस कीजिए और बराबर में बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जब मैं अपनी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आए और आप फटाफट मेरी वीडियो देख सकें। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो आपको मेकअप से पहले और कहीं बाहर जाने से पहले यूज़ करने चले। तो चलिए देखते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. तो आप जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि वो कौन सी आखिर चार चीज़ें हैं जो हम यूज़ करें मेकअप से पहले और कहीं बाहर जाने से पहले। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि वो चार चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर वन, हमें अपनी फेस को क्लींजिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मेकअप करने से पहले भी ज़रूरी है क्लींजिंग करना, फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कहीं बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहला जो हम करें अपने फेस के साथ क्लीन करें, फेस को क्लींजिंग रखें। क्योंकि हम कहते हैं कि हमने सुबह तो नहाया था और फेस साफ किया था हमने, अब हम बाहर जा रहे हैं या हम मेकअप कर रहे हैं तो हमारा फेस क्लीन ही होगा? नहीं गाइस, जिस टाइम आप फेस मेकअप कर रहे हैं और जिस टाइम अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना फेस को सबसे वन पार्ट आप कीजिए, वन चीज़ आप कीजिए इसके साथ कि अपने फेस को क्लींजिंग ज़रूर करें। क्लींजिंग के मैंने तीन टाइप अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ, मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको, वीडियो भी आप देखते रहें और इसके साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि क्लींजिंग के कितने टाइप हैं और क्या करना है। तो आप मेरी वीडियो देखें। सबसे पहले हम अपने हेयर को अच्छे से ट्राई कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहला टाइप क्लींजिंग का होता है वेट टिश्यू। हमारे पास वेट टिश्यू रहते हैं मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए, उससे भी आप क्लींजिंग कर सकते हैं, अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि काजल रह गया हो, कुछ लिपस्टिक रह गई हो या मेकअप रिमूव करना हो, वो हम सारा वेट टिश्यू जो होता है उससे भी क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। देखिए मेरा फेस क्लीन था लेकिन फिर भी कितना डर्ट निकला है टिश्यू में, आपने देखा होगा। इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेके अपना फेस वॉश कर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप क्लींजर। क्लींजर तो अक्सर घरों में होता ही है। क्लींजर लेके आप अपने फेस पे पूरा अप्लाई करें अच्छे से, हर जगह अप्लाई करें। आइस के ऊपर भी आप लगा सकते हैं क्लींजर, फेस पे, नेक पे, हर जगह आप अप्लाई करें अच्छे से। और अच्छे से एक मिनट के लिए फेस को अच्छे से मसाज करें, अंडर आई पे, चिक्स पे अच्छे से। ये देखिए स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे अप्लाई करना है। फिर एक टिश्यू, ड्राई टिश्यू लेकर अच्छे से उस क्लींजर को क्लीन कर दें। इसके बाद आपको फेस वॉश करने की नीड नहीं है। ये चीज़ हम पार्लर में बहुत यूज़ करते हैं, कस्टमर्स आते हैं तो हम उनको क्लींजर ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं तो उनके फेस पे डर्ट रहता ही है तो हम उनको फेस क्लीन करते हैं क्लींजर से। तो क्लींस करना आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं से आए हों आप, मेकअप रिमूव करना हो तो अच्छे से क्लींस करके और कोई भी ड्राई टिश्यू लेकर आप फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये थे हमारा क्लीन करने का दूसरा टाइप। अब मैं आपको टिश्यू दिखाती हूँ, देखें कितना डर्ट निकला है, हालांकि मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं था।
थर्ड है हमारा फेस वॉश। आप अगर नहीं है मेकअप आपके फेस पे, लेकिन आप बोल रहे हैं हमारा फेस तो क्लीन है, नहीं, फिर भी मेकअप से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले अच्छे से फेस को वॉश कर लें फेस वॉश से। फेस वॉश से भी आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। सेम यही स्टेप रहेंगे जो क्लींस में रहे थे। एटलीस्ट 30 सेकेंड आप अपने फेस वॉश को अच्छे से मसाज करें फेस पे, फिर ही फेस को धोएं। फिर इससे फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, अच्छे से अंडर आई, नेक, चीक्स वगैरह पे एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए तो मसाज किया करें फेस पर, फिर ही इसके बाद वॉश किया करें। अब इसको पानी से अच्छे से वॉश कर दीजिए। इसके बाद हम टॉवल से ड्राई कर देंगे अपने फेस को। ये देखिए अब मेरा फेस अच्छे से क्लींस हो गया है, बस स्टेप था क्लींजर। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लींजिंग कितनी ज़रूरी है और कितने टाइप की ज़रूरी है। आपने फर्स्ट जो हमारा है क्लींजिंग वो देखा होगा कि कैसे करनी चाहिए और कितने टाइप होते हैं, आपने अच्छे से देखा होगा। अब हमारा दूसरा है टोनर। टोनर भी हमें बाहर जाते वक्त क्लींजिंग के बाद टोनर और मेकअप करते वक्त क्लींजिंग के बाद टोनर हमें लगाना चाहिए, वो भी हमें लगाना चाहिए। सेकंड है ऑप्शन हमारा टोनर। तो टोनर कैसे लगाएं, क्या ज़रूरी है टोनर के लिए, वो भी मैं आपको वीडियो बता रही हूँ और वीडियो में ही आपको बता रही हूँ कि टोनर कैसे यूज़ किया जाए और कौन सी स्किन के लिए टोनर ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी स्किन में आप टोनर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सेकेंड स्टेप है हमारा टोनर। टोनर हर स्किन के लिए इतना नेसेसरी नहीं होता है। ड्राई स्किन को नहीं यूज़ करें, स्किप करें तब भी चलता है, लेकिन ऑयली स्किन को ज़रूर अप्लाई करें टोनर। और टोनर भी दो टाइप के होते हैं, एक स्प्रे फॉर्म में होता है, एक डायरेक्ट आप कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने स्प्रे वाला यूज़ किया है। टोनर लगाने के बाद अपने फेस को ड्राई होने दें अच्छे से। देखिए मेरी स्किन ड्राई हो गई है। अब ये हमारा सेकेंड भी हो गया है टोनर। आपको टोनर का यूज़ आ गया होगा अच्छे से। तो हमारे दो चीज़ें जो दो फेस पे हमें ज़रूरी है करना वो आपने सीख लिए हैं। इसके बाद आता है थर्ड हमारा, क्या आता है, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत मेन होता है फेस के लिए। आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, आपकी स्किन ड्राई हो, कोई भी स्किन टाइप हो, मॉइस्चराइज़र करना मत भूलें स्किन को मेकअप से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, ठीक है। मॉइस्चर करना बहुत ज़रूरी है। आप ना, हमारी स्किन तो वैसे इतनी ग्लो कर रही है, इतना मॉइस्चर हम डालें स्किन में चिपचिप हो और नहीं गाइस। मॉइस्चराइज़र दो टाइप के आते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी आता है, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी आता है। आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हैं तो आप क्रीम। अगर आपके पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं है, ऑयली स्किन है, तो मॉइस्चराइज़र जो क्रीम आपके लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा आप लेके यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे, इट्स कंपल्सरी बिफोर मेकअप और बिफोर बाहर जाने के लिए। तो कैसे यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइज़र, चलिए वो भी देखते हैं। हम अपनी वीडियो में आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ, तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब आती है मॉइस्चराइज़र की बारी, जो हमारा थर्ड स्टेप है। मॉइस्चराइज़र थोड़ा हाथ पे लेकर फेस पे अच्छे से हर जगह लगाकर, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल लाइट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र यूज़ करना हर स्किन पे बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र के बगैर हमारा बिफोर मेकअप और कहीं बाहर जाने का रूटीन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मॉइस्चराइज़र भी हर स्किन के लिए ज़रूरी है। फिंगर टिप से अंडर आए जैसे मैं कर रही हूँ स्टेप्स, उसी स्टेप को फॉलो करें। ओके गाइज, आपने तीनों चीज़ें सीख ली, सबसे पहले क्लींजर, टोनर, मॉइस्चर। इन तीनों चीज़ों को CTM भी कहा जाता है। आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगी कि CTM करने का तरीका, CTM कैसे किया जाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को CTM अक्सर आपने सुना होगा, मेकअप करने से पहले CTM किया जाए।
मैंने पहले CTM नहीं बोला क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। आपने वीडियोस भी देखी, यूज़ कैसे किया जाए, कौन सी स्किन पे यूज़ किया जाए, वो सब देख लिया आपने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको CTM भी कहा जाता है, क्लिनजर टोनर मॉइस्चराइज़र। CTM करना मेकअप से पहले और कहीं बाहर जाने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि CTM तो हो गया, अब आप क्या दिखाने वाले हैं, CTM तो करना होता है। नहीं गाइस, CTM के बाद अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें SPF करना ज़रूरी है, फेस पे SPF लगाना भी ज़रूरी है। बाहर जा रहे हैं गाइस, हम धूप लग रही है तो सूरज की किरणें लग रही हैं हमें, तो हमें अपने फेस पे SPF लगाना भी ज़रूरी है। बाहर जाएं तो आप अपनी स्किन को SPF ज़रूर करें फिर ही बाहर जाएं। इसके अलावा जब हम मेकअप कर रहे हैं तब भी हमें SPF मॉइस्चराइज़र आते हैं, जैसे अब मेरा मॉइस्चराइज़र में ही SPF था 15, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, तो मेरा SPF 15 भी मेरे फेस पर लग जाता है, तो मेरा मेकअप में भी यूज़ हो जाता है और मेरा कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है आपके मॉइस्चराइज़र में SPF, तो आप SPF फेस को ज़रूर करें, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेके आप अपने फेस पे लगाएं और फिर ही बाहर जाएं। इसके अलावा मेकअप में जो फोर्थ चीज़ है वो है प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। अगर आपको अपने प्राइमर बहुत अगर आपको अपने फेस फाउंडेशन रिएक्शन से अपने फेस को दूर रखना है, फेस की स्किन को दूर रखना है मेकअप रिएक्शन से, फाउंडेशन डायरेक्ट कभी अप्लाई मत करें, कभी कोई भी चीज़ डायरेक्ट अप्लाई मेकअप की मत करें जब तक आपने अपने फेस को प्रेप ना किया हो इन तीन चीज़ों से, CTM से और प्राइमर से। प्राइमर आपकी फेस को प्रोटेक्ट करता है, प्रेम करता है आपके मेकअप से, तो वो आप ज़रूर 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 यूज़ करें प्राइमर अपने फेस पे बिफोर मेकअप। तो प्राइमर मेरे पास स्प्रे है प्राइम प्री एंड प्राइम, यानी कि मेकअप सेटिंग बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं, पहले भी यूज़ सकते हैं, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। आपके पास प्राइमर हो तो अब जेल बेस में प्राइमर रहता है, अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी मैंने वीडियो में दिखाया, आप वीडियो देखें। अब हमारा फोर्थ स्टेप है SPF। SPF लगाना बहुत ज़रूरी है अगर हम ख़ास तौर पर बाहर जा रहे हैं तो। मेरे मॉइस्चराइज़र में ऑलरेडी SPF था, मॉइस्चराइज़र SPF के साथ मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। और मेकअप से पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, या तो प्रेप एंड प्राइम फिक्सर आता है वो आप लेके लगाएं मेकअप से पहले, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप मेकअप ना करें और SPF के बगैर आप बाहर ना जाएं, ये स्टेप ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि लोग CTM करके छोड़ देते हैं, ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन चौथा भी ज़रूरी है, SPF एंड प्राइमर। देखें स्किन कितनी अच्छी लग रही है अब मेरी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट फाउंडेशन फेस पे अप्लाई करते हैं, कंसील करते हैं, आई शेड वगैरह डायरेक्ट हर चीज़ फेस पे लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत है ये चीज़ करना, बहुत ज़्यादा। फेस को पहले आपको प्रेम करना ज़रूरी है CTM से, और मैं जो प्राइमर बोल रही हूँ उससे, ये चार चीज़ें करने के बाद भी आप अपने फेस पर मेकअप करें या बाहर जाएँ, पहले फाउंडेशन वगैरह डायरेक्ट अपने फेस पे अपनी स्किन पे मत करें मेकअप से, बहुत अफेक्ट आता है आपके फेस पे दूसरे दिन, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए पहले आप ये चीज़ें लगा के अपने फेस को प्रेम कर दें, ताकि आपकी स्किन पर डायरेक्ट मेकअप ना लगे, इसके ऊपर आप मेकअप करें तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सेफ रहेगी और आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये थी सारी मेरी वीडियो जो मैंने आपको बताई, वीडियोस दिखाई और जो चार चीज़ें मैंने आपको मेन बताई, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए बिफोर मेकअप और बिफोर बाहर जाने से पहले भी आप इन चार चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, अच्छी रहे और आप अपनी स्किन प्रॉब्लम में जूझते नहीं रहें, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें मेरी ज़रूर
फॉलो करनी चाहिए। और गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा भी आपको फेस के अकॉर्डिंग कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जाइए दबाइएगा ताकि मेरी जब भी वीडियो में डालूँ सबसे पहले वो आपकी मोबाइल में आपको। ओके गाइस, तो आज यही थी मेरी आज की वीडियो, यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।